आ, आ, बिल्कुल आपको पता है जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का हाई प्रेशर गेम होता है और दोनों टीमों में प्रेशर होता है ओबियसली बात है और हर प्लेयर अपनी टीम के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है और एज अ टीम मैनेजमेंट जिस तरह वो हमें सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और जिस तरह काफ़ी डेढ़ दो सालों की हम अपनी इसी मैनेजमेंट के साथ हैं और वो जिस तरह हमें कॉन्फिडेंस देते हैं जिस तरह वो हम पे ट्रस्ट करते हैं तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है जब हम मैच खेल रहे होते हैं तो हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं कि यार ठीक है हमारी मैनेजमेंट हमारे हमें बैक करती है हम जैसे भी परफॉर्मेंस करते हैं तो चाहे आप जो जो मैच हो इंडिया के खिलाफ हो जिस जि, जिस किसी भी स्टेज पे आप मैच खेल रहे होते हो तो आप काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं हम लोग देखें उनके भी दो, दोनों मेन प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव और पांड्या जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और कोशिश यही करें कि उनको अर्ली ऑन उनकी विकेट ली जाए ताकि उनकी टीम स्ट्रगल करे अगर उनके स्टार्ट में विकेट लेते हैं तो वो आके भी जिस तरह टाइम लेके फिर रनस करते हैं तो उनको टाइम ना लेने दें ताकि उनको उनकी विकेट अर्ली ऑन ली जाए तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा हाँ देखें आ, नो डाउट जिस तरह हमने क्रिकेट खेली फर्स्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया तो कोशिश यही है कि जो आ, अपनी बेस्ट है एफर्ट्स करें ग्राउंड के अंदर और जिस तरह अभी लास्ट मैच खेला हमने हांगकांग के ख़िलाफ़ और एक मोमेंटम अच्छा है और इसी को इसको कैरी ऑन करेंगे जो सुपर फोर में मैचेज हैं बकाया तो उनमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे हाँ बिल्कुल जिस तरह अनफॉर्चुनेटली जिस तरह शाइन इंजर्ड हुआ और उसमें थोड़ा बहुत शुरू में था कि यार नया बॉल कौन करेगा और जारी है जिस तरह शहीन खेलता था उसके साथ कॉन्फिडेंस था कि वो अर्ली ऑन विकेट आम को लेकर जाता था तो उससे काफ़ी जब मैं बॉलिंग के लिए था तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता था और नो डाउट जिस तरह अभी नसीम ने बॉलिंग की जिस तरह उसने इंडिया खिलाफ बॉलिंग की हॉन्ग के खिलाफ तो मुझे उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और रिलैक्स होता हूँ कि जब बॉलिंग के लिए आता हूँ कि यार ठीक है जो अर्ली ऑन आपको अच्छा बॉल बॉलर जो उससे बॉल करके दे रहा है तो एज ऐसा जिस तरह बैटिंग की पार्टनरशिप होती है इस तरह बॉलिंग की भी पार्टनरशिप होती है तो जिस तरह शाइन मेरे साथ खेलता रहा और काफ़ी टाइम से मैं शाइन के साथ ही खेल रहा हूँ तो उससे काफ़ी रिलैक्स होता था बट अभी जिस तरह नसीम बॉलिंग कर रहा है और उससे काफ़ी खुद अभी काफ़ी रिलैक्स हो रहा हूँ कि यार जो आप जिस तरह आप चाहते हो जो आप कंडीशन चाहते हो जो जो सिचुएशन चाहते हो आपको मिल रही है हाँ देखिए इस जिस तरह की विकेट्स हैं और वो यही डिमांड कर रही हैं कि आपको थोड़ा बहुत आपको विकेट पर स्टे करना पड़ेगा और जब आप अच्छे सेट हो जाते हो तो फिर आपको रनस मिल रहे हैं जिस तरह अभी लास्ट मैचेस में भी देखा जिस तरह अभी लास्ट मैच में रिजवान भी निकले वो सेट हुए उन्होंने अपनी टीम को आ, थोड़ा लंबा लेके गए और उसमें रनस हुए और एट दी एंड आपको जब नया बैट्समैन आता है जिस जिस तरह की विकेट्स हैं वो 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 जहरी बात है वो आके स्ट्रगल करेगा और बाकी जिस तरह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो टॉप थ्री बैट्समैन है उनमें से एक को थोड़ा लंबा लेके जाना पड़ेगा ताकि वो एट दी एंड तक जाएँ और वो अच्छा रन्स वो सेट कर सके अपनी टीम के लिए देखें जिस तरह वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं अपनी टीम के लिए जिस तरह भी लास्ट जितने भी मैचेस खेलते हुए जितनी भी सीरीज़ खेले हैं एशिया कप से पहले और जिस तरह वो परफॉर्म हैं जिस तरह उनकी फॉर्म लगी हुई है और जहरी बात है एक अच्छे प्लेयर के ख़िलाफ़ आप अपने अच्छे अपनी जो स्ट्रेंथ होती है अपनी कोशिश करते हो कि अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की जाए नो डाउट जिस तरह अगर वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं बट आपको अपनी स्ट्रेंथ का आ, पता होता है कि यार आपने किस तरह आ, टीम को अपनी आ, अपना बेस्ट देना है और कोशिश करेंगे कि जिस जितने भी उनके बैट्समैन हैं और कोशिश यही करेंगे कि जो अपना जो जो, जो उनका वीक जोन है कोशिश करेंगे उनमें उनको वहाँ पर बॉल की जाए और उनको ताकि जितना डॉट बॉल्स करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है कि जब वो डॉट बॉल होंगे जब रनज नहीं मिलेंगे तो वो आ, बैट शॉट जरूर खेलेंगे